So hello guys, welcome to the Devil's Own Gaming YouTube channel. Click the subscribe button and hit the bell icon to be notified. तो गाइस, अगर आपने हमारा पहले का वीडियो देखा नहीं अब तक तो पहले वो वीडियो जाके देखे, अभी मैं वो आई बटन को दबा के अभी वो वीडियो देखे, क्योंकि हमारा जो पहले का वीडियो था वो था ड्रैग हेडशॉट के बारे में बेसिक्स, मतलब आपका सेंसिटिविटी क्या होना चाहिए, हर गन का दूसरा सेंसिटिविटी और आपका डीपीआई सेटिंग्स के बारे में सब कुछ बताया। पहले वो वीडियो देखे और बाद में ये वीडियो देखे, क्योंकि ये है पार्ट टू। तो पहले अब मैं एक्सप्लेन करूंगा कि फ्री फायर में हेडशॉट क्यों लगता है भाई, मतलब हेडशॉट क्यों लगता है। जब भी हम शूट करते हैं तब हमारा फ्री फायर का जो एम असिस्ट है वो ऑटोमेटिक से बॉडी के सेंटर पे लॉक हो जाता है। तब अगर जब एनिमी खड़ा रहता है, मतलब कोई मूवमेंट नहीं है उसमें, तब क्या होता है कि जब हम ड्रैग अप करते हैं तब हमारा एम हेड पे जाके उसको हेडशॉट लगता है। अगर हेडशॉट लगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा डैमेज होकर बंदा जल्दी मर जाएगा, तो ऐसे हेडशॉट लगता है फ्री फायर में। पर भाई फ्री फायर में तो बंदा हमेशा खड़ा नहीं रहता, तो उसे कैसे मरे, अगर ये जानना है तो वीडियो को देखते रहिए। तो भाई फ्री फायर में तरह तरह के हेडशॉट मार सकते हैं हम लोग, तो हम पहले सीखेंगे कि कौन से तरह के हेडशॉट है। अभी पहले देखते हैं कि खड़े बंदे को कैसे मारते हैं। तो भाई हम पहले से उस तरह का हेडशॉट कैसे मारे, मुझे पता है कि आप लोगों को भी पता है कि उस तरह का हेडशॉट कैसे मारे, पर क्या होता है 1v1 फाइट में मोस्टली एवरी टाइम क्या होता है कि वो जो बंदा पहले देखेगा और उसको उस तरह का हेडशॉट आता है वो जल्दी मारेगा। तो क्या करें हम, अगर हमें उतना फास्ट नहीं आता है हेडशॉट, और फास्ट से कैसे मारने लगे, तो अभी वही क्वेश्चन है। अभी देखे मैं दिखाता हूँ स्लो मोशन में। जब हमें हमेशा हेड के आसपास हेड के करीब एम रखना पड़ेगा, तब जब हम बस फायर करें और थोड़ा सा ड्रैग अप करने पे भी ड्रैग हेडशॉट लग जाता है और बंदा जल्दी मर जाता है। तो यही सीक्रेट है एक स्टैंडिंग पर्सन को हेडशॉट मारने का, हेड के आसपास एम रखना है बस। चले गाइस, अब हम सीखते हैं कि मूविंग बंदे को कैसे हेडशॉट मारे। तो अभी मैं क्लिप्स में दिखा रहा हूँ, वो पहले क्लिप्स देख लीजिए। तो गाइस अभी जैसे आपने देखा कि बंदा लेफ्ट से राइट में मूव कर रहा है, फिर भी मैं उसे हेडशॉट मार रहा हूँ, वो कैसे, तो अभी हम ये देखते हैं। एक छोटा सा रूल है, इसे हम आसानी से समझने के लिए हम यूज करेंगे। इसे क्या बोले, इसे बोलते हैं हम ड्रैग हेडशॉट रूल। तो अभी आप देखिए फायर बटन है ना, वो उसमें एक इमेजिनरी लाइन है, वो हॉरिजॉन्टल लाइन। अभी जब बंदा आपके सामने खड़ा है या आपसे दूर भाग रहा है या आपके करीब आ रहा है, मतलब स्ट्रेट लाइन है, तब आपको सीधा ऊपर ड्रैग अप करना है। जब वो मतलब राइट में भाग रहा है तब आपको 45 डिग्री एंगल पे ड्रैग अप करना पड़ेगा, तब उसे हेडशॉट पड़ेगा। अगर बंदा लेफ्ट में जा रहा है तो लेफ्ट साइड से 45 डिग्री एंगल में ड्रैग अप करना पड़ेगा, तभी उसको हेडशॉट पड़ेगा। तो ये सिंपल ट्रिक ड्रैग हेडशॉट मारने के लिए, मूविंग बंदे को लेफ्ट या राइट, सीधा आगे या पीछे, कैसे भी जाए वो बंदा हेडशॉट पड़ेगा ही पड़ेगा उसे। वो अब तो वो सब बेसिक्स थे यार, वो कॉमन सेंस था हेडशॉट कैसे मारने का। अभी ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो आपको कोई और यूट्यूबर नहीं बताएगा, सिर्फ मैं बता रहा हूँ और पर्सनल एक्सपीरियंस से है। अभी बहुत इम्पॉर्टेंट क्या है कि इसमें आपका रेंज, एनिमी से आपका रेंज, आपका डिस्टेंस। क्लोज रेंज में हेडशॉट मारने का चांसेस बहुत कम है, तो हमेशा आपको मीडियम रेंज क्या बोलते हैं मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर शॉर्ट रेंज में है बंदा तो हम हेडशॉट तो पहले के पहले नहीं मार सकते, और अगर उसके पास वो शॉटगन रहता है तब हम तो फिनिश हो जाएंगे यार, वो लोग तो हमें आराम से मार दे देंगे। तो मैं अभी एक क्लिप डालूंगा, अब वो देख लेना शॉर्ट रेंज में। मैं फुल जितना हो सका मैंने उतना ड्रैग अप किया, फिर भी उसे हेडशॉट नहीं लगा क्योंकि वो बहुत ही क्लोज था। और फिर और एक क्लिप डालूंगा जो उसमें मैंने रेंज मेंटेन किया है, क्योंकि वो बंदा मीडियम रेंज में और मैं MP40 चल रहा हूँ, तब उसे आराम से हेडशॉट पड़ रहा है। बंदा मूव कर रहा है, स्टैंडिंग है, आराम से हेडशॉट पड़ जाएगा, पर मीडियम रेंज में रखना चाहिए बंदे को, बहुत क्लोज आने नहीं देना है बस।
और कई जैसे कि मैंने बताया था कि शॉर्ट रेंज में हमारा हेडशॉट लगने का चांसेस बहुत कम है और शॉर्ट गनर्स हमें आसानी से मार सकते हैं, वो हमेशा सही नहीं रहता यार, क्योंकि हमें भी शॉर्ट रेंज में चांस रहना चाहिए MP40 वालों को भी। इसलिए मैं पर्सनली ये ट्रिक यूज़ करता हूँ, पर ये बहुत हार्ड है यार, बहुत हार्ड और कॉम्प्लिकेटेड है सीखने में, थोड़ा थोड़ा टाइम तो लगेगा भाई, पर इसका क्या क्या सक्सेस रेट भी हमेशा 100% नहीं रहता, मतलब कभी कभी काम करता है कभी कभी नहीं। इसे हम बोलते हैं हमारा जंप लैंड ट्रिक, मतलब जब बंदा हमें शूट कर रहा है और हम भी शूट कर रहे हैं, तब बंदे ने थोड़ा मूवमेंट कम कर दिया तो हम क्या बोलते हैं शूट स्टॉप करे बिना ही हमें डायरेक्ट से जंप मार के, जब हम लैंड होंगे वापस जंप मारने के बाद, तब उसे हेडशॉट पड़ जाएगा। उसे बोलते हैं जंप लैंड ट्रिक। और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्लॉ में सीखे, नहीं तो लेफ्ट फायर बटन का इस्तेमाल करें। मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको क्लॉ सीखना पड़ेगा, 3 फिंगर या 4 फिंगर। अभी मेरा नेक्स्ट वीडियो भी आएगा क्लॉक के ऊपर, और मूवमेंट स्पीड कैसे बढ़ाना है और ग्लू होल को जल्दी कैसे लगाना है, वो सब वो। सो स्टे ट्यून फॉर दैट गाइस। और बस ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन को दबा देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। हमारा इंडिया का गेम प्ले सबसे ज़्यादा अच्छा रखे, सबसे ज़्यादा वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा बेस्ट रहना चाहिए, इसलिए मैं ये सब हमारा सीक्रेट ट्रिक्स बोल रहा प्रोस के, वो कोई नहीं बोलेगा यार। जो जाने माने प्लेयर्स है हमारे, बड़े बड़े जैसे राय स्टार है और राकेश भाई है हमारे लेजेंड, वो मेरे इंस्पिरेशन थे यार। मैं बहुत सालों से उनका वीडियो देख रहा हूँ, उनसे बहुत सीखा है मैंने। अगर मैं इतना प्रो तो बहुत यूट्यूबर्स है यार, मतलब राकेश भाई, हमारे अर्पण भाई, और अभी तो मेरा फेवरेट यूट्यूबर है नवीम आलम, और उसी से मैंने हेडशॉट मारना ठीक से एनालाइज करके है और हेडशॉट मारने का सब टेक्निक्स उसी से सीखा है। तो डिस्क्रिप्शन में मैं उनका भी लिंक दे दूंगा, जाके उनको भी सब्सक्राइब कर देना यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, दिस इज मी डेविल निकल साइनिंग ऑफ। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.